चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन आईटी ने 2006 में दिया था ना, तो क्वेश्चन कह रहा है लेट ए एंड बी बी द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दी हुई है एंड सी एंड डी बी द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दी हुई है और बाद में कह दिया गया देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी और एक बड़ी महत्वपूर्ण कंडीशन दी है कि ए नहीं बराबर बी के, नहीं बराबर सी के और नहीं बराबर डी के, यानी ए बी सी डी आपस में बराबर नहीं है। ठीक, तो जब बात रूट्स की आती है तो आपको दो ही बातें पता होती हैं भाई, एक तो सम ऑफ रूट्स, एक प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। ठीक, तो एक काम करते हैं भाई, यहाँ ए और बी इस क्वाड्रेटिक के रूट्स दिए हुए हैं तो ए प्लस बी यानी सम ऑफ रूट्स कितना हो जाएगा, माइनस बी बाई ए, तो कितना हो जाएगा, टेन सी हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर ए प्लस बी आ गया टेन सी। अच्छा, यहाँ पर सी प्लस डी सम ऑफ रूट्स, इससे कितना जाएगा भाई, इससे कितना जाएगा, सी प्लस डी सम ऑफ रूट्स कितना जाएगा, टेन ए आ जाएगा, टेन ए। ठीक, चलिए प्रोडक्ट की अभी हमें ज़रूरत है नहीं, अगर होगी तो हम जो है ले लेंगे प्रोडक्ट्स भी। ठीक है, तो a प्लस बी सी प्लस डी, ठीक, ऐसी हमें कोई ज़रूरत भी है। चलिए एक काम करते हैं ना, इन दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट करते हैं, है ना, और एक बार ऐड करके देख लेते हैं। तो जब हम ऐड करेंगे तो a प्लस बी प्लस सी प्लस डी बराबर आ जाएगा टेन ए प्लस टेन सी के, या कह लीजिए टेन ऑफ ए प्लस सी। तो एक a प्लस सी हमारे पास इधर है, जब उधर जाएगा तो टेन ए प्लस सी, तो b प्लस डी जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, नाइन ऑफ a प्लस सी आ जाएगा। नाइन थोड़ा साफ साफ लिख लेते हैं ना, तो b प्लस डी जो आ जाएगा हमारे पास हो जाएगा नाइन ऑफ a प्लस सी आ जाएगा, नाइन ऑफ a प्लस सी आ जाएगा। ठीक, नाइन ऑफ a प्लस सी आ जाएगा। चलिए एक बात तो महत्वपूर्ण हमें ये मिल गई कि b प्लस डी नाइन ऑफ a प्लस सी आ जाएगा, तो b प्लस डी नाइन ऑफ a प्लस सी आ जाएगा। तो b प्लस डी आ गया नाइन ऑफ a प्लस सी और एक a प्लस सी, हमें टेन ऑफ a प्लस सी की वैल्यू निकालनी है ना, तो इसे हटा दीजिए। अब आपको जो वैल्यू निकालनी है वो किसकी निकालनी है भाई, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी की निकालनी थी, तो a प्लस बी प्लस सी प्लस डी आपको निकालना था, तो नाइन b प्लस डी हो गया नाइन ऑफ a प्लस सी और एक a प्लस सी, तो टेन ऑफ a प्लस सी की वैल्यू आपको अब निकालनी है, तो टेन ऑफ a प्लस सी निकालते हैं, टेन ऑफ ए प्लस सी की वैल्यू निकालते हैं, यानी हमें सिर्फ कॉन्सेंट्रेट करना है ए प्लस सी पर। चलिए ठीक है, ए प्लस सी पर कॉन्सेंट्रेट करना। चलिए ए और बी जो है इसके फैक्टर हैं, ठीक, सी और डी जो है वो इसके फैक्टर हैं, तो यहाँ पर एक महत्वपूर्ण चीज़ नज़र आ रही है, टेन सी एक्स और टेन ए एक्स, अगर इसमें ए सेटिस्फाई करा दिए तो ये माइनस टेन सी ए सी ए बन जाएगा, यहाँ सी सेटिस्फाई करा दिए तो माइनस टेन ए सी बन जाएगा, सेम टर्म बन रही है। तो अगर ए इसका रूट है ए को इसमें सेटिस्फाई करा दीजिए, ए स्क्वायर माइनस टेन सी ए माइनस इलेवन डी इज इक्वल टू जीरो, सी इसका रूट है तो इसमें सेटिस्फाई करा दीजिए, सी स्क्वायर माइनस टेन ए सी माइनस इलेवन बी इज इक्वल टू जीरो, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो ए स्क्वायर मर जाएंगे, ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, इलेवन टाइम्स भाई, इलेवन टाइम्स डी माइनस बी हो जाएगा, डी माइनस बी हो जाएगा। अच्छा, ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए माइनस सी हो जाएगा, और कितना हो जाएगा, ए प्लस सी हो जाएगा। अच्छा भाई, इलेवन टाइम्स है ना, ये कह लीजिए इलेवन टाइम्स बी माइनस डी हो जाएगा ना, तो हमने सिर्फ इन्हें ऐड करके लिखा था, अभी सब्ट्रैक्ट करके हमने नहीं लिखा था, इन्हें सब्ट्रैक्ट करके लिखें, जरा सब्ट्रैक्ट करके लिखें, तो ये हो जाएगा ए माइनस सी प्लस बी माइनस डी इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, टेन ऑफ सी माइनस ए, तो ये हो जाएगा हमारा भाई बी माइनस डी इज इक्वल्स टू हो जाएगा भाई टेन ऑफ सी माइनस ए, ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, एक और सी माइनस ए, तो हो जाएगा इलेवन सी माइनस ए, तो इलेवन सी माइनस ए ना, इलेवन सी माइनस ए, तो बी माइनस डी आ रहा है इलेवन सी माइनस ए, तो ये है डी माइनस बी, इसका नेगेटिव है भाई, आप यहीं कर लो ना, डी माइनस बी इसका नेगेटिव क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस, ये कह लीजिए प्लस का 11, माइनस को अंदर एडजस्ट कर दो ए माइनस सी, तो डी माइनस बी की जगह लिख सकते हैं, डी माइनस बी की जगह लिख सकते हैं 11 टाइम्स ए माइनस सी, तो ए माइनस सी से ए माइनस सी कट जाएगा, तो ए प्लस सी कितना जाएगा 121 आ जाएगा, ए प्लस सी आ गया 121 इंटू 10 1210 जवाब आ जाएगा आपका, कितना जवाब आ जाएगा 1210। ठीक, किया कुछ नहीं, अगर रूट्स की बात आती है तो भाई मैंने यहाँ सम ऑफ रूट्स लिया इस इक्वेशन का, सम ऑफ रूट्स लिया इस इक्वेशन का, दोनों को ऐड किया तो ये मिल गया, सब्ट्रैक्ट किया तो ये मिल गया। ठीक, उसके बाद मुझे सिर्फ यहाँ नज़र पड़ी और यहाँ पर टेन सी ए और टेन सी ए, दोनों को सब्ट्रैक्ट करूँगा, काम हो जाएगा, हो जाएगा काम, ध्यान से करिएगा।